हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड किड्स कॉर्नर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाल कृष्णा का मेकअप कैसे करें, तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं कि हमने एक्सेसरीज कैसे बनाई है। तो ये मेरा कुछ पुराना एक सूट पड़ा हुआ था, सलवार सूट है ये, तो उसकी मैंने ड्रेस बनाई है। तो देखिए, ये दुपट्टा है इसका और इसमें बॉर्डर भी है, तो इससे हमारा टॉप इजीली बन सकता है। और ये मेरे पास एक जयपुरी दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो उसकी मैं पगड़ी बनाने वाली हूँ। और ये कुछ एक्सेसरीज हैं, नॉर्मली सभी के घर में होती हैं, जैसे ये पर्स की माला है, ये कुछ लटकन है, ये कुछ फ्लावर्स पड़े हुए हैं। बच्चों के क्राफ्ट के लिए हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ें घर में रखते हैं, फ्लावर्स हो गए या शीट्स वगैरह। और ये एक बटन पड़ा हुआ था मेरे पास, और ये मेरा एक पुराना नेकलेस पड़ा हुआ था, और ये मेरे इयररिंग्स हैं मोर पंखी के, और ये मेरा ब्रेसलेट है। तो इन सब चीज़ों से मैं कृष्णा की एक्सेसरीज एंड ड्रेस प्रिपेयर करने वाली हूँ। और अब हम देखते हैं कि हमें मुरली कैसे बनानी है। तो ये मेरे पास बुक्स पे चढ़ाने के लिए जो बच्चों की कवर शीट आती है प्लास्टिक वाली, वो पड़ी थी। आप कोई भी रोल जो है आप यूज़ कर सकते हो, चाहे खाकी वाला रोल आता है वो लो, या कुछ नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का रोल भी बना सकते हैं। उसको मैंने, मेरे पास ये रिबन पड़ा हुआ था सैटन का, उस पर रैप कर दिया है मैंने। आपके पास गोटा हो तो आप वो भी रैप कर सकते हैं, रिबन होता है अक्सर हमारे घरों में तो आप वो भी रैप कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पुराना क्लोथ पड़ा हो उसको काट के आप वो भी रैप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस पर पूरी तरह से अच्छी तरह से लपेट दिया है, और ये मेरे पास एक जो लटकन थी वो मैंने साइड में लगा दी है। तो इस तरीके से इसे हमने अटैच कर लिया, और ये हमारी मुरली बिल्कुल तैयार है काना की। अब हम इसको टेप से चिपका देते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। तो ये हमारी मुरली भी तैयार है। तो चलिए, अब मैं पगड़ी पहनाने वाली हूँ। तो ये मैंने अपना जयपुरी दुपट्टा ले लिया है, और इसको आप इस तरीके से बांध सकते हैं पगड़ी की शेप में। गोटे को आप आगे रखिए फ्रंट में, ये बहुत ही सुंदर लगता है। कोई भी आप दुपट्टा ले सकते हैं जिसपे कोई बॉर्डर बनाओ। ये देखिए, इस तरीके से हम पगड़ी बना सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ क्लोथ है इसको मैंने पीछे फिक्स कर दिया है। ये मेरी पगड़ी भी तैयार है। अब हमें पगड़ी को डेकोरेट करना है। मेरे पास जो पेपर फ्लावर रखे थे क्राफ्ट के, वो मैं इस पगड़ी में अटैच कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है, आप देखिएगा। कृष्णा मेकअप में जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने पगड़ी यही वाली पहनाई थी। देखिए कितनी अच्छी लुक आने लगी है खाली फ्लावर्स ही अटैच करने से। अब जो हमारे पास लटकन थी, फ्लावर्स लगाने के बाद साइड में हम लटकन भी अटैच कर देते हैं। इसे आप सेफ्टी पिन से अटैच कर सकते हैं, या फिर आप सुई से एक टांका भी लगा सकते हैं, तो ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। मैं आपको दिखाने के लिए अभी सेफ्टी पिन से अटैच कर रही हूँ। और आप चाहें तो इस तरीके का कोई बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। और अब हम काना की पगड़ी में मोर पंखी लगा देते हैं। ये मोर पंखी को आप सुई से अटैच कर सकते हैं, या फिर सेफ्टी पिन से भी अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी पगड़ी बिल्कुल रेडी है। आप सुई से एक टाका लगा दीजिए इसमें, ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाने के लिए अभी टेम्परेरी ऐसे ही अटैच करके आपको शो कर रही हूँ कि ये मैंने जो है वो इस तरीके से इसको अटैच किया था। आप चाहें तो सेफ्टी पिन से भी अटैच कर सकते हैं, और सुई से भी इसको अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, और इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है मोर पंखी का। कृष्णा की पगड़ी में मोर पंखी तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है जो हमें लगाना ही लगाना है। चलिए, अब हम दूसरी एक्सेसरीज भी देख लेते हैं। तो ये मुरली हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ये मेरे पास मोतियों की एक माला है, तो इसको सिंगल की जगह मैंने ट्रिपल फोल्ड में किया था। ये देखिए, आप चाहें तो डबल में भी पहना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से इसको सेट किया था, और साइड में मैंने इसको पिन अप कर दिया था जिससे ये तीन लेयर्स में लग रही थी। और इस ब्रेसलेट को मैंने हाथ में पहना दिया था, और ये जो नेकलेस है इसको मैंने आर्मलेट के रूप में यूज़ किया था, और इयररिंग्स को मैंने ऊपर से अटैच कर दिया था जिससे वो ऐसे लग रहे थे कि इयररिंग्स कान में ही पहने हुए हैं। और एक हाथ में आप इस तरीके का भी बैंड बना सकते हैं। ये देखिए, कोई भी आप रिबन ले लीजिए कलरफुल सा, उसमें ये फ्लावर्स को आप पेस्ट कर दीजिए, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसको भी ऐसा ब्रेसलेट या आर्मलेट यूज कर सकते हैं। तो ये
ये देखिए आप इस तरीके से भी इसको अरेंज कर सकते हैं कि बीच में येलो कलर एंड स्काई ब्लू जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। अगर फ्लावर्स आपके पास नहीं है तो थोड़ा आप कोई रिबन है, गोटा है, उस पर स्पार्कल्स आते हैं उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी एसेसरीज रेडी है। ये देखिए पगड़ी मैंने इस तरीके से बनाई थी और ये एसेसरीज मैंने इस तरीके से इसको यूज़ किया था। तो मैंने मार्केट से कोई भी आइटम परचेज नहीं किया था। मेरे पास घर में जितनी भी चीज़ें थी, मेरा पुराना सूट था उसकी सलवार मैंने एज अ बॉटम यूज़ करी थी और जो दुपट्टा था उसका वो एज अ टॉप मैंने यूज़ किया। एंड आप देख ही रहे हैं ये पगड़ी मैंने अपनी जयपुरी चुन्नी से बनाई है। आप किसी भी चुन्नी से अपने बना सकते हैं। ये देखिए सलवार पहनाने के बाद ये देखिए मैंने पहना के भी आपको शो किया है। ये बहुत ही अच्छी लुक आती है इसकी क्योंकि बच्चों के तो थोड़ा लूज आएगी ये। ऊपर से तो हम टाई कर सकते हैं, नीचे से आप इसको अंदर की तरफ थोड़ा सुई धागे से कच्चा करके थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं। और ये देखिए टॉप मैंने इस तरीके से अरेंज किया था कि बॉर्डर इसके दोनों साइड्स में आ गए थे और आगे क्रॉस लाकर मैंने पीछे की तरफ इसको अटैच कर दिया था। ये देखिए सलवार में तो ये आगे से बिल्कुल फिक्स हो गया था और साइड्स में इसके दोनों तरफ गोटे दिख रहे थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एंड बैक साइड में मैंने थोड़ा इसको लूज छोड़ा था, जैसे होता है कृष्णा जो ड्रेस पहनते हैं तो बैक साइड से उनके थोड़ा लूज पड़ा रहता है। तो ये देखिए बैक साइड से ये पोर्शन मैंने लूज छोड़ा था तो इसकी भी बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी। सेट करने के लिए आप सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं या सुई से ताका भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लाके इसको अटैच कर दिया था जो यहाँ पर हम सलवार अपनी टाइट करते हैं वहाँ पर। ये देखिए अब मैं आपको पूरे मेकअप के साथ शो कर रही हूँ। सो मेरा खाना तो बिल्कुल रेडी है अपनी एसेसरीज एंड मेकअप के साथ। तो आप भी जन्माष्टमी को घर में रह कर सेलिब्रेट कीजिए, अपने किड्स को ड्रेसअप कीजिए एज कृष्णा एंड मेकअप कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।